दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज हार्डवेयर सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी स्लॉट्स के बारे में। तो चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मेमोरी स्लॉट होता क्या है। आपके सामने एक टॉपिक मेंशन हो रहा है, दैट इज द मेमोरी स्लॉट्स, और दो यहाँ GIF इमेजेस आपको नजर आ रही हैं, जिसमें पहली इमेज जिसमें रैम एंड मेमोरी स्लॉट लिखा हुआ है, जिसमें आपको रैम दिखाई जा रही है, और ये बेसिकली उसी के नीचे ये जो ब्लू और ब्लैक कलर का जो स्लॉट नजर आ रहा है, इसे ही मेमोरी स्लॉट कहते हैं। दूसरी इमेज में आपको उसी मेमोरी स्लॉट के ऊपर वही वाली रैम लगाते हुए दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि मेमोरी स्लॉट बेसिकली दिखता कैसा है और मेमोरी स्लॉट के ऊपर कैसा कंपोनेंट लगता है। तो बेसिकली मेमोरी स्लॉट के ऊपर लगता है रैम, और यहाँ पे रैम भी आपको दर्शाई जा रही है। तो दोनों ही इमेजेस आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इन दोनों ही इमेजेस के बिहाफ पे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रैम दिखती कैसे है और मेमोरी स्लॉट कैसा दिखता है, और रैम को मेमोरी स्लॉट पे एग्जैक्टली लगाते कैसे है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेमोरी स्लॉट के बारे में। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी स्लॉट। यहाँ पे फिर एक इमेजेस के थ्रू दर्शाया गया है। पहले डिस्क्रिप्शन पे फोकस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में है, मेमोरी स्लॉट ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड आर फिजिकल कनेक्टर, मतलब एक प्रकार का कनेक्टर होता है मदरबोर्ड के ऊपर, वेयर रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल्स आर इंसर्टेड। मतलब मदरबोर्ड के ऊपर एक फिजिकल कनेक्टर पाया जाता है, जहां मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, बेसिकली उसे ही मेमोरी स्लॉट बोलेंगे। सो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक प्रकार का फिजिकल कनेक्टर मदरबोर्ड पे पाया जाता है, जिसके ऊपर रैम लगाई जाती है। तो आप वन लाइन में बोल सकते हैं, बेसिकली मेमोरी स्लॉट्स आर यूज्ड टू अटैच और फिट मेमोरी कार्ड बोलो, या इसे आप बोलो मेमोरी, या बोलो आप रैम, टू द मदरबोर्ड सर्किट। यहां एक शॉर्ट डेफिनेशन दी हुई है और मैंने उसे ही अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली अलाउिंग द सिस्टम टू एक्सेस एंड यूज टेम्परेरी डेटा फॉर प्रोसेसिंग टास्क। रैम का बेसिकली काम होता है प्रोसेसर के लिए डेटा मुहैया करवाना, और वो डेटा उठाता है रैम बेसिकली हार्ड डिस्क या SSD से, ठीक है। और कुल मिला के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो सके, इसलिए रैम लगाते हैं, और इस विषय में डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। बट फिलहाल में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जिसको बोलते हैं रैम, और ये जो व्यक्ति के हाथ में आप देख रहे हैं दो उंगलियों के बीच में जो ये आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं रैम, और रैम को जहां पे लगाते हैं उसे बोलते हैं मेमोरी स्लॉट। और मैंने पिक्चर को एरो के थ्रू इंडिकेट करके भी बता रखा है मेमोरी स्लॉट एग्जैक्टली क्या है और इस पे रैम कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे वन लाइन शॉर्ट डेफिनेशन में है, मेमोरी स्लॉट्स आर यूज्ड टू अटैच और फिट मेमोरी मीन्स रैम टू द मदरबोर्ड सर्किट। मतलब मदरबोर्ड से यदि आप रैम जोड़ना चाहते हो तो रैम को आप कहां लगाएंगे, मेमोरी स्लॉट के ऊपर, और बेसिकली आज का हमारा विषय ही मेमोरी स्लॉट है, ठीक है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको नोट डाउन जरूर करना है, नोट डाउन करके मेमोराइज भी कर लेना है। लकली यदि आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि मेमोरी स्लॉट क्या होता है, तो एग्जैक्टली आप टू द पॉइंट में आंसर दे सकें कि एग्जैक्टली मेमोरी स्लॉट बेसिकली इट इज यूज टू अटैच और फिट मेमोरी मीन्स रैम टू द मदरबोर्ड सर्किट। सो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझते हैं कि मेमोरी स्लॉट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। आज तक विभिन्न प्रकार की रैम बनाई गई हैं, और अलग अलग रैम्स के लिए अलग अलग तरीके के स्लॉट्स का भी निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे आपको चार अलग अलग तरीके के स्लॉट्स नजर आ रहे होंगे। सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेमोरी स्लॉट। There are several types of memory slots. These slots are SIM, single inline memory module. Second one is DIMM, standout dual inline memory module. Third one is RIM, it's called a RAMBUS inline memory module. And fourth one is SODIMM, standout small outline dual inline memory module. तो मुख्य रूप से ये चार तरीके के मेमोरी स्लॉट्स यहाँ पे बताए गए हैं, और इसमें से कुछ मेमोरी स्लॉट्स बंद हो गए हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो इफ एनीवन आस्किंग टू यू दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी स्लॉट्स आर देयर बेसिकली,
तो आप इजिली आंसर कर सकोगे, मेनली देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी स्लॉट्स। नाउ अडेज वी पीपल आर यूजिंग ओनली वन और टू स्लॉट्स, बट नंबर ऑफ स्लॉट्स आर देयर टोटल फोर। सो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे सामने है सिम स्लॉट, SIMM, जिसका पूरा नाम है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। आप ये समझो कि ये वाला पर्टिकुलर मेमोरी स्लॉट जो है वो बंद हो चुका है। जब सबसे पहली रैम रिकॉग्नाइज की गई थी तो वो रिकॉग्नाइज की गई थी FPM फास्ट पेज मोड और EDO रैम। इसमें मैं आपको पॉइंट आउट करके बता दूं, ये वाली जो है वो FPM रैम है और EDO रैम दर्शाया नहीं गया है। तो इस वाले स्लॉट पे जो लगता था, 72 पिन वाले स्लॉट पे जो रैम लगती थी उसे बोलते थे EDO, और 30 पिन वाले सिम स्लॉट पे जो रैम लगती थी उसे बोलते थे FPM फास्ट पेज मोड, EDO स्टैंड आउट एक्सटेंडेड डेटा आउट। सबसे पहली बात तो थोड़ा फोकस करेंगे यहां पे। एन ओल्डर टाइप ऑफ मेमोरी स्लॉट दैट वॉज यूज प्राइमरली इन ओल्डर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। सबसे पहली बात तो ये पुराना, जिसके पास बहुत ज्यादा पुराना सिस्टम मुझे तो नहीं लगता आप किसी के पास देखने को मिलेगा। सो बेसिकली जब हम यूज करते थे 486DX प्रोसेसर, ऐसी स्थिति में सिम स्लॉट का इस्तेमाल होता था, या पेंटियम टाइप ऑफ किसी किसी में मिलता था, जो पेंटियम टाइप ऑफ प्रोसेसर होते थे उनके साथ कभी कभी सिम स्लॉट देखने को मिल जाता था। बट आज की डेट में आपको सिम स्लॉट जो है वो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तो सिंपली ये पुराने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होता था, और ये सबसे पहला मेमोरी स्लॉट और जिसके ऊपर सबसे पहली रैम्स लगाई जाती थी, जिसका नाम था FPM और EDO। तो इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी स्लॉट्स मेमोरी मॉड्यूल्स मींस पिंस आर ओनली सिंगल साइड। इसमें सबसे खास बात है, सिम का नाम ये सिंगल इनलाइन, सिंगल इनलाइन का मतलब एक तरफ एक ही सीधी रेखा के रूप में इसमें पिंस होते थे। मतलब ये आप रैम के ऊपर जो ये पिंस या मॉड्यूल्स देख पा रहे हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में होते थे, मतलब एक ही साइड होते थे। तो यहाँ मेमोरी स्लॉट में भी जो पिंस होते थे वो सिर्फ एक साइड होते थे, इसी के लिए इसका नाम पड़ा सिंगल इनलाइन। सिंगल इनलाइन का मतलब एक तरफ एक ही रेखा के रूप में पाए जाने वाले को सिंगल इनलाइन बोल सकते हैं आप। और सिम स्लॉट के ऊपर जो मॉड्यूल्स होते थे, जो पिंस होते थे, वो सिर्फ एक ही तरफ पाए जाते थे। आज की डेट में आप कोई भी रैम उठा के देख लेंगे तो रैम के दोनों साइड, मतलब ड्यूल साइड मेमोरी मॉड्यूल्स मींस पिंस पाए जाएंगे। पहले जब ये सिम स्लॉट पे लगने वाली रैम आप देखते थे तो मेमोरी पिन सिर्फ एक साइड हुआ करती थी और उसी साइड से लगाया जाता था जिस तरफ स्लॉट पे भी पिन हुआ करते थे। तो यहाँ पे सिम स्लॉट दो तरीके के बनाए गए, एक 30 पिन का, एक 72 पिन का, ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला था सिम स्लॉट जो 30 पिन का बनाया गया था। इसके ऊपर जो रैम लगती थी वो लगती थी FPM फास्ट पेज मोड, और फिर इसके बाद इसको थोड़ा हाई स्पीड रिकॉग्निशन किया गया, मतलब एक और ही उम्दा क्वालिटी का बनाया गया सिम स्लॉट ही बनाया गया। वो 72 पिन का हुआ करता था जिसमें बस विड्थ ज्यादा बढ़ गई और डेटा रेट थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली सिम स्लॉट का यूज यहीं तक था माय डियर फ्रेंड्स, और ये ऐसा मेमोरी स्लॉट है जो आज के डेट में इंटरव्यूअर को भी ऑलमोस्ट नहीं पता होगा, तो वो इस विषय पे आपसे डिस्कस भी नहीं करेंगे। पर आपका जानना बहुत कंपलसरी है क्योंकि आप बात कर रहे हैं मेमोरी स्लॉट्स की, तो जितने पीछे से आप जानते हुए आएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो बढ़ते हैं अगले स्लॉट की तरफ और समझते हैं डिम स्लॉट। डिम का पूरा नाम होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सबसे पहली बात तो आप ये एक वन लाइन आप ओवरव्यू समझ लो कि इस पर्टिकुलर स्लॉट का आप 100% इस्तेमाल आज की डेट में कर रहे हैं, ठीक है। और कंडीशनली इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी स्लॉट द मेमोरी पिन्स आर ड्यूल साइड। ड्यूल का मतलब ये कि मेमोरी पिन्स जो है वो दोनों ही दिशा में पाए जाएंगे, मतलब दोनों ही तरफ पाए जाएंगे। जैसे सिम स्लॉट में जो रैम लगती थी उस रैम में जो मेमोरी पिन्स होते थे वो एक तरफ होते थे, जबकि डिम स्लॉट में जो रैम लगेगी रैम के दोनों तरफ आपको मॉड्यूल्स मींस पिंस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि मेमोरी स्लॉट के ऊपर भी पिंस आपको दोनों तरफ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, मिलते ही है। अगला ओवरव्यू में है यूज्ड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल इन डेस्कटॉप एंड सर्वर्स टाइप ऑफ इंक्लूड। मतलब ये पर्टिकुलर स्लॉट आपको डेस्कटॉप केस में या डेस्कटॉप कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स में या सर्वर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड में आपको ये स्लॉट 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर जो रैम हम लगा सकते हैं वो बेसिकली DDR टाइप ऑफ रैम लगा सकते हैं। जो SD रैम थे उसके लिए
रैमबस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बना, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट कहीं कहीं ना कहीं एसडी रैम भी ड्यूल इस पर्टिकुलर स्लॉट पे लगाई जाती थी, बट बीच में एक नया स्लॉट आया था वो आगे डिस्कस करेंगे, बट वो ज्यादा चला नहीं, तो फाइनली ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और आज तक वही चलता आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर जो हम रैम लगाते हैं वो डीडीआर ड्यूल डेटा रेट टाइप ऑफ यू नो रैम लगाते हैं, और इस पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर हम डीडीआर DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 टाइप ऑफ रैम हम इस पे लगा सकते हैं। अब इस स्लॉट्स में पिन्स की बात करते हैं, तो DDR स्लॉट में बढ़ती हुई बस विड्थ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पिन्स जो है वो बढ़ते चले गए, क्योंकि रैम्स की कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी, डेटा रेट सब बढ़ते चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बस विड्थ भी बढ़ती चली गई, मतलब नंबर ऑफ पिन्स बढ़ते चले गए। तो DDR में जो सबसे पहले DDR स्लॉट रिकॉग्नाइज किया गया था DIMM में, वो था 184 पिन का, जिसके ऊपर DDR और DDR SD RAM दोनों ही लग सकती थी। तो ये स्लॉट बेसिकली हमें देखने को मिलता था Pentium सेकेंड, Pentium थर्ड, Pentium 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में, ठीक है। इसके बाद अगला आया 240 पिन्स का, फिर अगला आया DDR2 आया जो 240 पिन्स का, मतलब इसके ऊपर एक रैम लगती थी DDR2 जिसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 240 हुआ करते थे। फिर इसको हाई स्पीड से बनाया गया, DDR3 रिकॉग्नाइज किया गया, तो 240 पिन्स की DDR3 रैम भी आने लगी। इसके बाद DDR4, आज की रेट में आप DDR4 रैम यूज कर रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 288 पिन्स होती हैं। अब DDR5 रिसेंटली रिकॉग्नाइज हो गया है, बट अभी उतना मार्केट में फ्लो नहीं है DDR5 का, बट वो भी 288 पिन्स की रैम बनी है जो 288 पिन्स के स्लॉट पे लगेगी। तो इस तरीके से ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो है वो इसमें मेमोरी पिन्स जो है वो ड्यूल साइड होते हैं, और अलग अलग तरीके की रैम के अनुसार ये अलग अलग तरीके के पिन्स के अकॉर्डिंग स्लॉट्स बनाए गए, जो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मेंशनड है, और इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे जिससे कि कोई भी आपको कहीं पे भी यदि इंटरव्यू से रिलेटेड या जनरली कभी कोई भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो इजिली आप आंसर कर सकें। So, बढ़ते हैं अगले स्लॉट की तरफ, जो स्लॉट आया तो बट ये आया और बंद हो गया। इसका नाम था रिम स्लॉट, रैमबस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। रैमबस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल पे एक पर्टिकुलर रैम ऐसी लगाएगी जो रिसेंट की मतलब FPM और EDO रैम के बाद बहुत ही फास्टेस्ट रैम बनाएगी, और उस पर्टिकुलर रैम के लिए जो है एक पर्टिकुलर स्लॉट रिकॉग्नाइज किया गया जिसे बोलते हैं रैमबस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और ये पर्टिकुलर स्लॉट या इस पे लगने वाली जो रैम बनी वो बेसिकली रैमबस इनकॉर्पोरेशन कंपनी के थ्रू बनाई गई थी, और उसी कंपनी के नेम के बिहाफ पे ही इस पर्टिकुलर स्लॉट का नाम पड़ा था रैमबस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें जो मेमोरी लगी वो जनरली FPM और EDO की कैटेगरी से फास्टेस्ट मेमोरी लगी, और इस पे हमने SD रैम लगाया, और बेसिकली ये पर्टिकुलर स्लॉट ज्यादा सफल नहीं हुआ। तो इस ये पहले सबसे पहले 184 पिन्स का जो स्लॉट रिकॉग्नाइज हुआ, इसके बाद 232 पिन्स का स्लॉट रिकॉग्नाइज हुआ, ये बस विड्थ इसकी बढ़ गई थी, इसका डेटा रेट और फास्ट कर दिया, बट ये रैम ज्यादा सफल नहीं हुई क्योंकि इस रैम में कहीं कुछ हीटिंग की प्रॉब्लम आई या कुछ कुछ ना कुछ इश्यूज थे जिसके बिहाव पे ये पर्टिकुलर स्लॉट विद रैम दोनों ही बंद हो गए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्लॉट के बारे में आपको इतनी जानकारी बहुत है, क्योंकि ये ऐसा स्लॉट था जो अभी इन यूज नहीं है, तो आपसे कोई ऐसा क्रॉस क्वेरी भी अराइज नहीं हो सकती कि एग्जैक्टली आप रिम स्लॉट ही बताइए, ठीक है। तो बेसिकली आपसे जो पूछा जाने वाला सवाल होगा वो डिम स्लॉट से रिलेटेड होगा, और डिम स्लॉट के बाद ये वाला जो स्लॉट आपके सामने है सो डिम, जो आज के डेट में हर एक लैपटॉप में और हर एक स्मॉल मिनी पीसीज में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सो डिम, स्मॉल आउटलाइन ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल स्लॉट। ये बेसिकली एक ऐसा स्लॉट रिकॉग्नाइज किया गया जो लैपटॉप कंप्यूटर्स, मिनी ATX पीसीज, इन सब में इस पर्टिकुलर स्लॉट का यूज होता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया है स्मॉलर वर्जन ऑफ डिम स्लॉट, मतलब डिम स्लॉट का ही छोटा वर्जन है, मतलब मिनी स्लॉट है पर है डिम ही। स्लॉट यूज्ड इन सम स्पेशलाइज्ड सिस्टम लाइक लैपटॉप्स एंड मिनी ITX मदरबोर्ड्स टाइप ऑफ डेस्कटॉप पीसीज में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, और ये चूंकि पॉपुलर है ही, चूंकि जितने भी लैपटॉप्स पूरी दुनिया में अवेलेबल है उसमें जो आपको स्लॉट देखने को मिलेगा वो सोडिम ही मिलेगा, ठीक है।
और सो डिम में जो बेसिकली लैपटॉप और स्मॉलर डिवाइसेस के लिए बनाई था, तो इसमें नंबर ऑफ पिंस डीडीआर रैम के लिए 200 पिंस का स्लॉट रिकॉग्नाइज किया गया, फिर DDR3 के लिए 204 पिंस का स्लॉट रिकॉग्नाइज किया गया, फिर DDR4 के लिए 260 पिंस का स्लॉट करंटली मार्केट में चल रहा है, और DDR5 किसी पर्टिकुलर लैपटॉप में लग के आ रही तो उसमें भी 260 पिंस, मतलब 260 पिंस वाले पोर्ट पे DDR4 और DDR5 दोनों ही आप लगा सकते हैं। तो इफ एनीवन आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चन टू नंबर ऑफ पिंस, सो इजली आप इसे मेमोराइज जरूर करके रखें, क्योंकि कभी कभी कोई कोई इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो इन्हीं पिन विन में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे कि भाई DDR5 में कितनी पिंस होती हैं, DDR4 में कितनी पिंस होती हैं लैपटॉप में बेसिकली, या मिनी पीसीज में, या डेस्कटॉप टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में बड़े स्लॉट में तो कितनी होती है, तो इसलिए आप उसको मेमोराइज करके रखेंगे तो आप आंसर दे रहेंगे, तो हो सकता है एक सिंगल क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन डन हो जाए, यदि आप सर्विस इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए कसमकश कर रहे हैं तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले स्लॉट की तरफ, यदि अगला कुछ है सो यहीं पे हमारी स्लाइड जो है वो एंड होती है, अगला कुछ भी नहीं है। सो आई होप सो आपको मेमोरी स्लॉट्स के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान आ गया होगा, और अगले किसी पर्टिकुलर नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन में हम आपसे बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक से प्रो लेवल तक के सारे नॉलेजेस डिलीवर्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके माय डियर फ्रेंड्स। सो आज का विषय यहीं तक था, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।